नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रीवा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही सुअरों की खरीद और बिक्री व परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। रीवा कलेक्टर ने बाण सागर सभागार में नगर निगम व पशुपालन विभाग के साथ इस मामले पर मंथन किया और इस संक्रमण को रोकने के लिए सर्वे कराने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद नगर निगम अमला मैदान में उतर चुका है और संक्रमित सुअरों वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने में जुट गया है। बीते दिनों रीवा में सुअरों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे, जिनमें से सभी 11 सैंपल की रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है और अब जिला कलेक्टर के आदेश के बाद जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का सुअरों में संक्रमण रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगरीय निकाय और पशुपालन विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप होने पर इसका उपचार नहीं है। संक्रमित सुअरों और अन्य सुअरों से अलग कर उन्हें वैज्ञानिक विधि से मारना होगा। अगर यह जल्दी नहीं किया गया तो बचे हुए सुअरों में भी इसका प्रकोप जल्द ही फैल जाएगा। बैठक में यह बताया गया कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक लाइलाज बीमारी है। बता दें कि बीमारी का प्रकोप अभी केवल पालतू सुअरों में ही है। वन विभाग के अधिकारी जंगली सुअरों के नमूने लेकर भी उनकी जांच कराएंगे। रीवा नगर निगम के कुछ क्षेत्रों में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग के लक्षण पाए गए हैं। इनके नमूने की जांच के बाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि की गई। जिले में लगाया गया है धारा 144, 21 अगस्त से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। साथ ही वार्ड क्रमांक 15 में सुअर पालकों के आश्रय स्थलों को ईपी सेंटर घोषित किया गया है। साथ ही क्षेत्र से 9 किलोमीटर को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। नगर निगम रीवा के स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न वार्डों में मृत सुअरों का सुरक्षित तरीके से लीक प्रूफ गाड़ी से परिवहन कराकर उसका निष्पादन कराएंगे। इन्फेक्टेड जोन और सर्विलांस जोन के लिए अधिकारियों की अलग अलग टीम तैनात की गई है, जो इस पर नजर बनाए रखेगी। आपको बता दें कि रीवा शहर में लगभग 25,000 सुअर हैं, जिनमें से 8 अगस्त से 20 अगस्त तक 1973 सुअरों की मौत हो चुकी है। वहीं रविवार यानी बीते दिनों 100 से ज़्यादा सुअरों की मौत होने की सूचना मिली है। इस बीमारी का प्रकोप रतहरा में वार्ड क्रमांक 15 की बंसल बस्ती में सबसे ज़्यादा हुआ है। बंसल बस्ती को रेड जोन बनाकर बस्ती के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी सुअरों की जाँच की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोग से बाकी सुअरों को बचाने के लिए वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। बैठक में ये बताया गया कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप केवल सुअरों में हुआ है, मानव या अन्य पालतू पशुओं में इसका खतरा नहीं है। लेकिन अगर संक्रमित सुअर का मांस खाया जाता है तो शरीर पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट है। जिले में धारा 144 लागू की गई है उन क्षेत्रों में जहां पर संक्रमित सुअर मिल रहे हैं और इस संक्रमण को रोकने की कवायद शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों में रीवा में स्वाइन फ्लू जैसी एक बीमारी आई थी, जिसके कारण सुअरों के डेथ की काफ़ी इंसिडेंट्स आए थे। इनके सैंपल भेजे गए थे और कल सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिससे ये पुष्टि हुई है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के वायरस मौजूद हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। जो एपिसेंटर है उसकी घोषणा कर दी गई है, जो सर्वेलेंस एरिया है उसकी घोषणा कर दी गई है। उसके अनुसार वेटनरी, रेवेन्यू, पुलिस और नगर निगम की टीम मिलकर उस इलाके में कलिंग का काम करेगी, सर्वेलेंस का काम करेगी और उसके बाहर का जो इलाका है जहां पर सर्वेलेंस करना है वहां पर बीमारियों के पूरी सर्वेलेंस की व्यवस्था होगी। ये आज से ही काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे ज़िले में किसी भी तरह के शुकर के मांस के विक्रय पर, उसके व्यापार पर और उसकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीमारी काफ़ी इन्फेक्शस है और बहुत कम समय में ही बीमारी फैलती है और जानवर की डेथ हो जाती है। इससे बचाव का एक यही तरीका है कि हम इस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। हमने नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को कहा है कि शाम के समय अभी सेकेंड हाफ में
नगर निगम में जो पालक हैं उनकी एक बैठक भी कर ले ताकि उनको भी इस प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी दी जाए। आप सभी से अपील है कि इस पर पूरा सहयोग प्रदान करें और किसी भी तरह का मूवमेंट अगर दिखता है जानवर का या उनके व्यापारियों का या उनके बेचने खरीदने या उसके मांस को खाने की कोई सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी ज़रूर दें। आप सभी से निवेदन है कि सहयोग करें, आप सभी के सहयोग से हम इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे।